बड़ी खबर, अब नहीं आएगा बिजली का बिल। इस साल से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अगर आप अपने ज्यादा बिजली के बिल से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए है। और इसकी शुरुआत अगले साल यानी अप्रैल 2019 से होगी। मोदी सरकार ने सभी लोगों को राहत देने वाला फैसला सुनाते हुए बिजली मंत्रालय ने फैसला लिया है कि अगले 3 सालों में वो देश भर में बिजली के सभी मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड में बदलेंगी। बिजली मंत्रालय के इस फैसले का मकसद बिजली के ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाले नुकसान में कमी लाना है। साथ ही इससे वितरण कंपनियों की स्थिति बेहतर और ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा। कागजी बिल भी व्यवस्था खत्म होने के साथ बिल भुगतान में भी आसानी होगी। सरकार के मुताबिक स्मार्ट बिजली गरीब के हित में है, क्योंकि ग्राहकों को पूरे महीने का बिल एक बार में देने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय वे अपनी जरूरतों के अनुसार बिल का भुगतान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बड़े पैमाने पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विनिर्माण से युवाओं के लिए रोजगार भी पैदा होगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सभी के लिए बिजली दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं और अपने ग्राहकों को 7 दिन 24 घंटे बिजली बिल देने पर सहमति जताई है। इसके तहत वितरण लाइसेंस में 1 अप्रैल 2019 या उससे पहले से ग्राहकों को 7 दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान होगा। सभी स्मार्ट मीटर को बिजली निगम में बने कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। कर्मचारी स्काडा सॉफ्टवेयर में जरिए कंट्रोल रूम में मीटर रीडिंग नोट कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर कोई मीटर के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसका संकेत कंट्रोल रूम में मिलेगा। अगर कोई उपभोक्ता समय पर बिजली बिल नहीं भरता तो कंट्रोल रूम से ही जिसका मीटर कनेक्शन भी काटा जा सकता है। इसके लिए उपभोक्ताओं के घर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना।